देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है, और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को भुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूं दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। यहाँ बेटियां उसकी छोटी करेंगे, क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, एक मिनट रुक जाइए ना, ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना अगर आते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ यार नवीन भाई, और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकती। हो सकता हो कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों निकला मिलते हो जाकर, क्यों नहीं मिलती जाके सरकार? मैं आर्थिक सरकार इस परिवार की भी, और अगर वो उस परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। अच्छा ये क्या है, सबका साथ, अच्छा ये बेटा क्या जानेगा? सर परिवार अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहते था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते, अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है? सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ यहाँ से, सामान ले जाओ। देखो मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा। इस परिवार की हम मदद करेंगे और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर जो इंडिया गठबंधन में मदद करता है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिखा जाती बात हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता,
तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं नहीं, बदला की बात बंद करो। सर एमपी ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि हमारे देवरिया कांड बड़ा विषय है। इंडिया न्यूज थोड़ा न्याय में संतुलन हो, थोड़ा सा आईडी नीचे, न्याय में संतुलन हो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सिंगल देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर आप एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है। और सर बुलडोजर प्रशासन के लिए, न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है भाई। शासन प्रशासन और न्यायालय की क्या मामूली बात है? आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली प्रेम यादव को किसने बुलाया? प्रेम यादव वहां कैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से? उन्होंने कभी जमीन ली? उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूं या आप जो जानते हैं? जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर जमीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूं कि वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूंगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा। और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता। ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती।